इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद का एक रिस्की ऑपरेशन जिसमें दुश्मन देश से चुराना था एक अत्याधुनिक फाइटर प्लेन MiG-21। रशिया ने MiG-21 बनाकर इजरायल के दुश्मन देशों को बेच दिया पर इजरायल की नाक में दम कर दिया। 1960 में मिस्र से शुरू किया गया ये ऑपरेशन दो बार फेल हुआ। पहली बार एजेंट जीन थॉमस पकड़ा गया और उसे फांसी पर लटका दिया गया। दूसरी बार मोसाद ने दो इराकी पायलट्स को पटाया पर डर कर वो मुकर गए, उन्हें मारना पड़ा। आखिर 1964 में मोसाद की एक लड़की ने एक इराकी पायलट मुनीर रेडफा को राजी कर लिया। ईसाई होने की वजह से के साथ भेदभाव किया जाता था। मुनीर को $1 million और उसके परिवार सहित उसे इजरायली नागरिकता देने का वादा हुआ। मुनीर के परिवार को इजरायल पहुंचा दिया गया। 16 अगस्त 1966 को मुनीर ने चालाकी से MiG-21 का टैंक फुल करवाया और योजना के तहत उड़ चला। वो जॉर्डन के वायु क्षेत्र में पहुंचा जहां उसे इराकी वायुसेना ने चेतावनी दी कि वो विमान को वापस लाए। कुछ ही मिनटों में MiG-21 इजरायली वायु क्षेत्र में पहुंच चुका था। मुनीर ने सुरक्षित MiG-21 की लैंडिंग इजरायल में करवा दी।